देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है ना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करते तो क्या जाता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करते तो क्या जाता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ता है, जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है और नया पार्टनर जब भी एडमिशन लेता है तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने हिस्से में से नए पार्टनर को हिस्सा देना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स को अपने हिस्से से क्या करना पड़ता है, निकाल कर नए पार्टनर को देना पड़ता है। जो भी बिजनेस में ओल्ड पार्टनर का हिस्सा होता है, जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर को, है ना, अपने हिस्से से निकाल कर न्यू पार्टनर को देना पड़ता है। तो ये किस रेशियो में दिया जाता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। इसलिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कब निकलता है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने हिस्से से निकाल कर अपना हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ता है ना, क्योंकि पार्टनरशिप करना है इसलिए, ठीक है ना। तो वहां पर कैसे निकलता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। इस पे एक सम्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा कैसे होता है ना, ठीक है ना। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, जहां पर ओल्ड रेशियो क्या दिया है, 3:2। सी एडमिटेड एज अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अमंग ए बी सी। अच्छा, बिटवीन अमंग किसके बीच लगता है, बिटवीन दो जन के बीच, अमंग दो से ज्यादा होगा तो अमंग लगेगा। 5:3:2 दिया हुआ है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। तो देखिएगा यहाँ पर हमको तो सेक्रीफाइजिंग जनरली ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, तो ए बी और सी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सी का जरूरत नहीं है तो इसलिए नहीं लिखे, क्योंकि सी तो न्यू पार्टनर है ना। ओल्ड रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2 है तो 3/5, 2/5, 3:2 है तो सम ऑफ द रेशियो करिएगा तो क्या आ जाएगा, यही ना होगा, प्रॉब्लम है किसी को। और न्यू रेशियो क्या है, 5:3:2 है तो 5/10, 3/10, और नए वाला का क्या आ जाएगा, 2/10, तो नए वाला का तो कर नहीं रहा है तो 5/10, 3/10। अब ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 5/10, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5/10 का 10, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 2, 2 3 6, 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 5 से इंटू करेंगे तो 5, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1/10। फिर देखिएगा यहाँ पर 2/5, 3/10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3/10 आएगा 1/10। तो सेक्रीफाइजिंग क्या हो जाएगा, तो 10 10 सेम होने पर कट जाता है नीचे नीचे, तो बचा क्या, 1:1, मतलब हाफ हाफ करके दोनों अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करेगा, किसको देगा, वो नया पार्टनर सी को देगा, ठीक है ना। इसलिए उसका शेयर कितना हो जा रहा है, 2/10। अभी 2/10 आया वो भी पता चल जाएगा, ए दिया 1/10 और बी दिया 1/10, तो देखिएगा 2/10 हो जाएगा, पता चल रहा है ना क्यों हो गया 2/10, समझ में आ रहा ना। क्योंकि जो ए और बी देगा वही सी क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, है ना। तो जो ए भी देगा अपने में से तो वो देगा अपने को सेक्रीफाइस कर रहा ना, अपना हिस्सा किसी नया वाला को दे रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। और इसी को जिस रेशियो में देता है उसका नाम पड़ गया सेक्रीफाइजिंग रेशियो, क्या नाम पड़ गया, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। है प्रॉब्लम है किसी को, हाँ बोलिए बोलिए। इसमें देखिएगा 3/5 है, 2/5 है ना, ये पता चला ना कैसा है, 3:2। यहाँ पर 5/10, 3/10 पता चला किससे है, हाँ प्रॉब्लम है। आप देखिए ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 5/10, तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 5 से 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 है ना, और 2 में 3 से इंटू करेंगे तो 6, फिर 10 से 10 जाएगा बचेगा 1, 1 में 5 से इंटू करेंगे तो 5, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 1/10। सेम यहाँ पर भी है, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 2 से सॉरी 5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 में 2 से इंटू करेंगे तो 4, फिर 10 में 10 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, 1 में 3 से इंटू करेंगे तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। अब दोनों का सेम है तो नीचे नीचे पोर्शन होता तो वो कट जाता सेम होने पर, तो बना क्या, कौन सा रेशियो बना, 1:1, या कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, 1:1 बना है ना, कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। 1:1 मतलब हो गया आधा आधा, मतलब आधा ए अपने में से सेक्रीफाइस करेगा किसको देगा, सी को, आधा बी अपने में से सेक्रीफाइस करेगा किसको देगा, सी को, और सी का टोटल कितना हो जाएगा, 2/10। 2/10 कैसे आया पता है ना, सी का 1/10, 1/10 तो आ जाएगा 2/10, ठीक है।